30 साल से मुल्क लूट रहे हैं वो लोग जो कि साठ फीसद से ज्यादा कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पर और वो जो कि हर रोज कैबिनेट बढ़ती जा रही है एक तरफ इनके ऊपर खजाना खर्चा जा रहा है पंजाब के को एक सौ सत्तर अरब देने हैं उधर पख्तूनख्वा अब पख्तूनख्वा की हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दहशतगर्दी का पैसे तो दिए नहीं उनको हमने क्यों ज़्यादा पुराना कबायली इलाके के लिए हमने क्यों सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे पुराने कबायली इलाके को मर्ज डिस्ट्रिक्ट को क्योंकि हमें तब भी पता था कि अगर हमने वहाँ डेवलपमेंट ना की और वहाँ मदद ना की क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वॉर ऑन टेरर में इलाका मुतासर हुआ था वह फिर से मसले शुरू हो जाएंगे इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए पख्तूरखा हुकूमत को पैसे नहीं दिए उनके तनख्वाहों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं गिलगत बल्चिस्तान वाले वो कह रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए आजाद कश्मीर गवर्नमेंट कह रही है वो पैसे नहीं दिए पंजाब जैसा मैंने कहा वो वो कह रहे हैं एक सौ सत्तर अरब रुपया नहीं दिया तो अगर पख्तूनख्वा में पैसे ना खर्च किए गए और ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिसिंग के ऊपर ना उन्होंने ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट ना की नौकरियाँ ना वहाँ मिली अगर खुदा ना खासता फिर से वहाँ दहशतगर्दी शुरू हो गई मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के आगे जो पहले ही हमारा मुल्क के माशी हालात कभी भी इतने बुरे नहीं थे खुदा ना खास अगर दहशतगर्दी शुरू होगी तो सबके हाथ से निकल जाएगा